जी, मेरा प्रश्न ऐसा बनता है कि अगर संबंध के भाव में हमें रहना रहने से ही हम आराम में रहता हूँ, तो जब संबंध के भाव में रहते हुए जब जब कभी कठोर रहना पड़ता है, तो उस समय कभी कभी विरोध के भाव में चला जाता हूँ, तो उससे कैसे उभरना है, कैसे निकलना, ये मेरा प्रश्न है। मॉर्निंग सेशन में तो यही काम कर रहे हैं हम लोग जी कि अपना जो भाव विचार है उसको हरक्षण देख रहे हैं। उस भाव विचार के पीछे जो हमारा मान्यता जो संस्कार है उसको देख रहे हैं। ये जो भाव विचार है वो सहज है असहज है सुखद है दुखद है इसको देख रहे हैं, है ना, और कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। ऐसा करने से हमारे में एक जो है प्यूरिफिकेशन का काम परिमार्जन का काम होता ही रहता है ना। सिर्फ होश पूर्वक बने रहना भाव विचार को देखना उसका मूल्यांकन करना ये काम जितना जितना हम करते हैं उतना उतना हमारे भाव और विचार का ना परिमार्जन होने लगता है। जो सही भाव है सहज भाव है सुखद भाव है वो बने रहते हैं। जो असहज दुखद भाव है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं या विदा होने लगते हैं। तो एक तो यही काम हम लोग कर ही रहे हैं मॉर्निंग सेशन में, तो उसको करेंगे तो धीरे धीरे सफाई होगी अपनी, और वो आप महसूस कर भी रहे होंगे कि सफाई हो रही है कि जी नहीं जी हो रही जी है। हो रही है जी। इस काम को करते हुए धीरे धीरे एक जगह पर यह होने लगता है कि इन भाव विचार के पीछे जो मान्यता है जो संस्कार है जिसके बारे में हम लोग बहुत सारी बात किए हैं वो संस्कार भी हमको दिखने लगते हैं, और उन संस्कार के बारे में मूल्यांकन शुरू हो जाता है। ये जो संस्कार है वो संबंध व्यवस्था से अस्तित्व के अर्थ में है या उससे विपरीत विरोध के अर्थ में अव्यवस्था के अर्थ में संघर्ष के अर्थ में है, तो वहां भी हम फिर मूल्यांकन कर पाते हैं और वहां भी चीजों को हम ठीक कर पाते हैं। तो अभी जो भाव विचार की जगह पर कर रहे हैं उसको तो हम जारी रखेंगे ही, लेकिन जितनी जितनी सूक्ष्मता हमारी बढ़ेगी उतना उतना संस्कार के लेवल पर भी चीजों को देख पाएंगे और उसका मूल्यांकन कर पाएंगे और उसका परिमार्जन कर पाएंगे। उसको कर लेते हैं तो भाव और विचार का जो चलने का आधार है बीज है वो तो ये संस्कार ही है मान्यता ही है, वो मान्यता ही सही हो जाए तो हम निश्चिंत हो सकते हैं कि आगे चीजें ठीक चलेंगी। ठीक है ना, जी। तो उस पर और थोड़ा इंटेंसिटी से काम किया जाए। जो बार बार कह रहे हैं कि हर क्षण होश में रहना है हर क्षण मूल्यांकन करना है ना, और कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, ये एक प्रोसेस है जिससे अपने को काफी सफाई का काम हो पाता है। और वो काम लंबा तो है क्योंकि बहुत सारे संस्कारों को बहुत समय से इकट्ठा किए हुए हैं तो उतना टाइम तो लगता है उससे निकलने में। क्या लगता है आपको? मेरा ये प्रश्न बनता है जी कि क्या ये ठीक है जी कि अगर जब हम अपने से आयु में जब छोटे बच्चे होते हैं, तो कभी कभी हम उनसे कठोर कठोर में मन में जो सेल्फ में तो संबंध का भाव ही रहता है, लेकिन कठोर रहना रहने से उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कह सकते, लेकिन वो उनमें सोच बढ़ाने के लिए कुछ समय तक ऐसे रहना पड़ता है। तो क्या क्या परिवार में भी ये लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये क्या इसमें? देखिए इसको देखना पड़ेगा कि जब हम बच्चे के प्रति कठोर हो रहे हैं तो हमारा भाव सही है कि नहीं। इस बात को कई बार हम लोगों ने कहा है कि जब हम देखते हैं कि बच्चा आग में हाथ डाल रहा है तो हम फोर्सलिवली जो है उसको हाथ पकड़ के रोकते हैं, ये रोकते समय हमारा भाव क्या है? उसके प्रति स्नेह का भाव है कि उसके प्रति विरोध का भाव आ गया है द्वेष का भाव आ गया है, वो देखने की चीज है। तो अगर स्नेह का भाव है उसके साथ हम हाथ पकड़ के रोक रहे हैं उसको बलपूर्वक
क्योंकि उसका हाथ गल जाएगा आग में अन्यथा, ये ठीक है। लेकिन भाव बिगड़ गया, अंदर गुस्सा आ गया, हम जो है असंतुलित हो गए, डिसहार्मनी में चले गए, उसके साथ हाथ पकड़ के रोक रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये समझ में आ गया जी। जी गणेश जी, धन्यवाद।